हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। और आज की इस कंप्लीट सेशन में हम बात करने वाले हैं, उससे पहले गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आप सभी लोग अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। और आज कंप्लीट में किस बारे में बात करूँ, देखिए लास्ट टाइम हमने बात करी थी एक्शन के बारे में, और आई होप कि आप एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। बट मेन चीज़ क्या होती है, फोकस। आज मैं कम्प्लीटली फोकस के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज इंटरेस्टिंग स्टोरी भी आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो आज हम बात करेंगे फोकस का मतलब क्या होता है। फोकस ऑन वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल, ये इसकी मीनिंग होती है। मतलब एक ही चीज पे फोकस रखना जब तक कि हम उसको अचीव नहीं कर पाते। लेकिन क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और जिसकी वजह से हमारा फोकस नहीं लग पाता किसी भी काम में। तो कम्प्लीटली इसके बारे में डिटेल में जाऊंगा, और जब आप धीरे धीरे अपना फोकस इंक्रीज करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो कम्प्लीटली इसी सेशन में कम्प्लीट हम बात करने वाले हैं, तो जो कि हमारा टॉपिक होने वाला है, जिसको मैं बोलने वाला हूँ फोकस फॉर्मूला फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क लास्ट में दूंगा, वीडियो के लास्ट में। उस फ्रेमवर्क के थ्रू आपको पता चल पाएगा कि हम किस तरीके से और फोकस हो सकते हैं। तो फ्रेमवर्क भी आप नोट डाउन करते रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं एक चीज़ बात करूँ ना, फोकस का सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो कैंसर कैंसर का इलाज होता है, तो बहुत लेजर फोकस होता है उसको वाइप आउट करने में, जो उसके उसको उसका इलाज करने में। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि बहुत फोकस होता है, सार्प फोकस होता है, तो ही उसका इलाज संभव हो पाता है। बहुत ही सार्प फोकस। वैसे पिन पॉइंट जब हम फोकस करते हैं किसी भी चीज में, तो हमें सक्सेस जरूर मिलती है। और 90 डेज का फ्रेमवर्क मिलेगा आपको कम्प्लीटली, और उस 90 डेज में किस तरीके से हम अपने आप को किसी चीज में बेहतर बना सकते हैं। आपने देखा होगा जो मार्शल आर्ट वाले रहते हैं, ब्लॉक एंड पंच, मतलब कि केवल यही चीज सिखाई जाती है, इसी पे फोकस रहते हैं। मतलब रात को अगर कोई उनके ऊपर कोई हमला भी करता है ना, ब्लॉक एंड पंच, वही चीज करते रहते हैं बार बार। उनके माइंड में वो चीज फिट हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ फोकस, वो उसी चीज पे फोकस करते हैं। तो ऐसे ही हमें भी फोकस रखना है। अब कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में और हम बातें करते हैं। देखिए, फोकस क्यों नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं जो हमारी प्रायोरिटी होती है ना, उसे हम सेट नहीं कर पाते। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकताएं, कि हमारी क्या प्राथमिकताएं हैं, हम क्यों नहीं सेटअप कर पा रहे हैं अपनी प्राथमिकताएं। दिक्कत क्या है कि अगर मैं कह रहा हूँ, एक बार में अगर आप दो जगह पे फोकस कर रहे हैं तो आप दोनों काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एक चीज कही जाती है बार बार कि 10 कामों में से अगर 2 काम आपने 100% किए तो वो बेटर है, बजाय कि आपने 5 काम हाफ ऑफ करे हों। यानी कि अनकंप्लीट काम करने से बेटर है कि 2 काम को हम 100% करें। दैट इज फोकस। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मींस अगर आपके पास 2 फोकस हैं, किसी एक टाइम पे अगर 2 चीजों पे फोकस करते हैं, मतलब कि आपका फोकस नहीं है। एक टाइम अगर आपके पास एक टाइम पे एक ही चीज मेन थिंग्स पे फोकस करेंगे तो ही आपको चीजें मिलने वाली है, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, नथिंग, कुछ नहीं होने वाला आपका। एक चीज हमेशा कही जाती है और सिखाई भी जाती है और बार बार मैं बताता भी हूँ। देखिए, एक आपने देखा होगा, सबसे दुनिया में सबसे कठोर धातु कौन सी है। आप बोले, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे कठोर क्या है आज के समय में, मेटल है डायमंड। डायमंड को भी जब तोड़ा जाता है ना, जब उसे भी क्या है ना, एक बिल्कुल लेजर सार फोकस की जरूरत होती है, तो ही उसे तोड़ा जा सकता है। आपने देखा होगा वो, आप बचपन में आपने वो किया होगा, लेंसेज से कागज जलाए होंगे। दैट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फोकस। तो फोकस हर एक चीज में प्रैक्टिकली भी काम करता है, और सबसे अच्छा एग्जांपल डायमंड का, जैसे आप देख पा रहे एकदम बिल्कुल सार फोकस होता है तो इसे कट कर पाते हैं। तो ये तो डायमंड की बात हो गई। लेकिन देखिए, हमेशा कहा जाता है ना कि अगर आप एक बार में 2 रैबिट्स के पीछे भागेंगे तो आप किसी भी रैबिट्स को पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपका फोकस दोनों में होगा, तो आप एक पे ही फोकस करिए, बेटर ही है, नहीं तो आप कुछ भी नहीं मिलने वाले। और अभी मैं एक चीज पढ़ रहा था कि आज से 2-3 साल पहले तक, मतलब 2015-16 तक, जब जितने भी सोशल मीडियाज आए थे, जिसमें कि अभी तो टिकटॉक वगैरह अभी सारी चीजें आई हैं, बहुत सारी उसको रिप्लेस करके और भी एप्लीकेशंस बन रही हैं, लोग क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। मतलब कि बिल्कुल उसके अंदर उलझ जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण भी है ये। आज से करीब 2-3 साल पहले तक 1 पर्सन एक दिन में अपने मोबाइल फोन्स को 112 बार देखता था, और आज ये संख्या बढ़ चुकी है।
लॉकडाउन में तो और हैबिट्स चेंज हो गई है लोगों की, यानी कि 112 टाइम्स, मतलब समझ रहे हो कि एक बार में अगर 1 मिनट भी वो टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, तो करीब करीब 1.5 से 2 घंटे वो अपना टाइम फोन में ही वेस्ट कर रहा है। ये सर्वेज हैं, ये सर्वे कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं जहां पे आपका फोकस कहीं दूसरी जगह पे होता है, जहां पे फोकस होता है ना वहां पे मनी भी होती है। फोकस इक्वल टू मनी, ये बिल्कुल। और ये हमारे फोकस को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ये हमारे फोकस को तोड़ रहे हैं। जी हाँ, और जहां पे फोकस आपका होता है वहां पे मनी होती है। आपका फोकस फेसबुक पे होगा तो फेसबुक ने क्यों बनाया, ताकि आपको डिस्टर्ब कर सके, आपका ट्रैफिक ले सके और वहां से मनी अर्न कर सके। आज यूट्यूब हो गया, अब अलग अलग चीजें हैं, व्हाट्सएप हो गया, स्टेटस हो गया, दुनिया भर की चीजें हैं जो आजकल बहुत सारी चलती हैं, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वो एक डिस्ट्रप्शन का कारण बनते हैं और आपके फोकस को तोड़ के रख देते हैं कंप्लीटली। अब इनसे बचने के लिए क्या होता है, बिजनेस में एक चीज कही जाती है, जहां पे फोकस आपका जाता है, वेयर योर फोकस गोज देयर मनी फ्लोज, जहां पे फोकस होता है वहां पे मनी फ्लोज होने लगती है। तो आपको क्या करना है, आपका फोकस कहाँ पे रखना है ये आपको डिफाइन करना है। कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजी के नहीं, कि इससे पहले कि टेक्नोलॉजी आपको कंट्रोल करे, आप टेक्नोलॉजी को कंट्रोल अपने कंट्रोल में रखिए। ये तो टेक्नोलॉजी जब आपको कंट्रोल करेगी, इसका मतलब वो आपको जब चाहे जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती है। लेकिन जिस दिन आपने टेक्नोलॉजी को अपने हाथ में पकड़ लिया, तो आप जैसे चाहे वैसे अपने फोकस के साथ उसे यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड रहनी चाहिए। आप अपनी चीजों को कंट्रोल करिए, अपने हाथ में चीजों को रखिए। नहीं तो दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, 7 ईयर से ज्यादा बहुत तेजी से चीजें चेंज हो रही है। एक बहुत अच्छी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, और ध्यान से समझना आप स्टोरी के बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से। एक बार क्या होता है ना, एक राजा होता है और वो चेस खेल रहा होता है। तो एक उसी नगर में एक मंत्री होता है, और उसे बोलता है वो कि जाओ आप पूरे गांव में ये बताओ कि अगर जो कोई भी अच्छा करेगा, जो मेरे साथ चेस में जीतेगा, उसे जो मांगेगा उसे वो इनाम दिया जाएगा। तो एक बहुत किसान होता है, उसको बहुत अनाज, उसके पास खाने को भी दाने नहीं देते हैं। वो आता है राजा के पास और उसके साथ चेस खेलता है और वो जीत जाता है। तो राजा बोलता है ठीक है, आप तो हमारे गाँव के हो, आप तो हमारे नगर के हो, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो वो किसान बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, वो बोलता है कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जितने भी चेस बॉक्स में जितने भी बॉक्सेस हैं, 64 बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस में आपको करना क्या है कि पहले दिन आप क्या करिए, एक दाने रखिए, दूसरे दिन उसका डबल रखिए, तीसरे दिन फिर उसका डबल रखिए, मतलब कि पहले दिन एक, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन उस दो का चार, फिर चार का फिर आठ, फिर आठ का 16, इस तरीके से करके मुझे ये 64 जो बॉक्सेस हैं उन्हें उसे फिल कर दीजिए। बस पहले दिन का डबल करते जाना है नेक्स्ट डे तक, ऐसे ही सो ऑन चलते रहेगी चीजें। राजा बोलता है कि ये कौन सी बात कर रहे हैं, अगर आपको अनाज के दाने ही चाहिए तो आप किसी से भी ले सकते थे, आप मेरे पास इतनी छोटी सी चीज के लिए क्यों आ रहे हैं। तो फिर राजा सोच में पड़ जाता है कि कुछ अच्छी चीज मांगिए आप, कुछ ये छोटे से दाने, चावल के दाने आप क्यों मांग रहे हैं, इससे क्या होने वाला है। देखिए दैट इज फोकस, यहाँ पे फोकस था उस पर्सन का, उसको पता था कि शुरुआत में रिजल्ट छोटा होता है, बट जब धीरे धीरे वो रिजल्ट दिखेगा तो हैरान हो जाता है। तो वो अपने मंत्रियों को बोलता है ठीक है जाओ इन्हें दो ये जो चीज मांग रहे हैं, क्योंकि ये जीत चुके हैं हमसे। तो जैसे ही वो ये चीज करते जा रहे हैं, पता क्या होता है, पहले दिन तो ऐसा होता है, लेकिन जैसे ही चीजें आगे चलती जाती हैं तो 10वें दिन उसे 512 दाने देने होते हैं। ठीक इसी तरीके से जब वो 20वें दिन की बारी आती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने दाने दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से जब वो 32वें दिन, यानी कि करोड़ों में संख्या हो जाती है, अरबों में हो जाती है, अब जब 64 डेज आता है, मतलब कि इस पूरी दुनिया पे उतने अनाज नहीं है जितने की वो मांग रहा था। राजा बिल्कुल हैरान हो जाता है, ये क्या हो गया, 64 डेज में इतने दाने नहीं है, उतने दाने मांग रहा था जितने 7 से 8 माउंट एवरेस्ट पूरा ढका जा सकता है, इतने दाने मांग रहा था वो चावल के, और इतने दाने पूरी धरती पे अभी तक नहीं हुए, यानी 1/4 पूरे वर्ल्ड का मांग रहा था वो, इतने दाने बढ़ते हैं आप काउंट नहीं कर सकते, नो मोर काउंट, देख पा रहे हैं आप। राजा हैरान हो जाता है, फिर उसे जाके माफी मांगता है। दैट इज पावर ऑफ फोकस, एक ही चीज को बार बार लगातार, छोटी सी चीज है, शुरुआत में जब रिजल्ट छोटा होता है ना, लोग फोकस नहीं करते वहां पे। और मैं कहता हूं आपको क्या करना है, फोकस होके काम करना है। रिजल्ट्स बाद में दिखते हैं, रिजल्ट्स दिखेंगे लेकिन बाद में, आपको ये चीज ध्यान रखनी है।
एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छी चीज जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, मैं आपसे बोलता हूं कि आज आप मुझसे 1 रुपए लो या 10 लाख ले लो एक बार में, या एक रुपए लो या फिर 1 करोड़ लो, आप क्या करेंगे? या फिर आप क्या करिए, 1 करोड़ लीजिए, चलिए ठीक है 1 करोड़ लीजिए, एक फिर दूसरे दिन आप इसका डबल ले सकते हैं, पहले दिन आप 1 रुपए लीजिए, दूसरे दिन आप 2 रुपए लीजिए, तीसरे दिन आप 4 रुपए, चौथे दिन 4 का 8 डबल। क्या होगा अगर इसका कंपाउंड करते जाएंगे तो? पता है क्या होगा, पहले दिन मैंने आपको 1 रुपए दे रहा था लेकिन वो रिजल्ट छोटा दिख रहा था, पांचवें दिन वो 16 था, रिजल्ट छोटा था, दसवें दिन 512 था। सेम वही कॉन्सेप्ट है अनाज वाला, यहाँ पे पैसे से काउंट करिए, वो 1 करोड़ छोटा लग रहा था लेकिन 20वें दिन भी वो छोटा था, लेकिन जैसे ही हम 31st डे की बात कर रहे हैं वो उसको बीट कर चुका है, इतना इतने पैसे हो रहे हैं। दैट इज अ पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। लगातार छोटी छोटी चीजें आप करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा रिजल्ट दिखेगा कि लोग चौंक जाएंगे। छोटी छोटी चीजें करनी आपको, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं करनी, मैं नहीं कहता कि ज्यादा बड़ी चीजें ट्राई करनी, नो मोर, छोटी से छोटी चीजें, और इस तरीके से आप अपना फोकस डेवलप कर सकते हैं। बहुत छोटी बात है, देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि दुनिया का अगर कोई 8वां अजूबा है इस वर्ल्ड का तो वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपको इसी का यूज करना है पर डे, कुछ ना कुछ हमें करते रहना है। एक चीज मैं आपको बताता हूं और ये फ्रेमवर्क मैं आपको देने वाला हूं, आपको करना क्या है। आपने देख लिया सर, आप फोकस के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत बातें हो गई, आपने स्टोरी सुना दी, लेकिन अब हम कैसे करें? देखिए केवल एक चीज पे फोकस रखना है आपको, केवल एक चीज पे फोकस रखना है, नेक्स्ट डेली 2 आवर्स और नेक्स्ट 3 मंथ्स यानी कि 90 डेज, 1 फोकस, 2 आवर्स पर डे, 3 मंथ्स। क्या वंस मोर, अब आप लिखिए कि अगले 90 दिनों तक मेरा एक कौन सा वो फोकस है जिसको मैं 2 आवर्स दूंगा, 3 मंथ्स तक दूंगा। इस फोकस सीखना चाहते हैं उस पर फोकस करिए। आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, उस पर फोकस करिए। आप क्या चाहते हैं, मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो, उस पर फोकस करिए। 1 फोकस 2 आवर्स 3 मंथ्स, दैट इज फ्रेमवर्क। अगर आप इसी अच्छी तरीके से करेंगे तो 1 डे यू विल बी सक्सेसफुल, 101%, that's my guarantee। अगर मैं अपनी बात करूं ना तो मैं डेली PPTs बनाता हूँ, डेली ब्लॉग्स लिखता हूँ, और आज मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने मोर देन 70 ब्लॉग्स लिख डाले। दैट बिकॉज ऑफ पर डे हैबिट्स। इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, यही तो फ्रेमवर्क है, और उसे कीप इट अप रखिए, बिल्कुल जारी रखिए, छोड़िए नहीं कुछ भी हो जाए, बिल्कुल फोकस के साथ काम करिए। ये फ्रेमवर्क आई होप कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ही इम्पैक्ट रोल प्ले करने वाला है, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट प्ले करने वाला है, और आई होप कि ये चीजें आप सभी लोगों को समझ आ रही होंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।